मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को लेकर काफी उत्साहित है। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और लोगों को इसका पूरा फायदा मिल पाए, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आयुष्मान भारत के सीईओ इंदुभूषण से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी शिव यादव ने। बहुत ही जरूरी है कि फ्रॉड इसमें नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। नंबर एक, हमने जितने भी हमारे पैकेजेस हैं उसमें देख लिया है कि कौन कौन से पैकेजेस ऐसे हैं जिसमें कि फ्रॉड ज़्यादा होता है, तो उन पैकेजेस को हमने या तो ये कहा है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रिजर्व है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देंगे। दूसरा, अगर प्राइवेट में जाना है तो उसके लिए सरकार उसको प्री ऑथराइज करेगी, पहले जांच करेगी कि वो जो पैकेजेस हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जाएं कि नहीं दिए जाएं। एक तो ये है। दूसरा, हमने ये किया है कि हमारा जो आईटी सिस्टम बना है उसमें हम ऐसा प्रावधान रखेंगे कि अगर कहीं फ्रॉड हो रहा है तो वो पकड़ में आए। जैसे कि मान लीजिए आपका हॉस्पिटल है, उसमें बस 30 बेड्स हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले जो हैं वो 35 क्लेम कर रहे हैं एक दिन में, तो हो सकता है कि शायद 35 कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ संभावना है कि शायद फ्रॉड हो रहा हो, तो वो आपको एक रेड फ्लैग मिल जाएगा। सर, इस स्कीम को लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है, लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर के अभी भी लोगों के मन में सवाल है। जानना चाहेंगे आपसे कि प्रति परिवार जो है प्रीमियम क्या होगा इसका? देखिए, प्रीमियम के बारे में किसी को कोई प्रकार का संदेह या कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रीमियम जितना भी आएगा, जितना भी खर्चा होगा इस स्कीम में, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस समय कुछ राज्यों में तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम हम देखा है कि वो 444 रुपये से करीब 1200 रुपये तक चलता है, और उसके अलावा अधिकतर राज्य तो ट्रस्ट मोड में जा रहे हैं जहाँ पे कि इंश्योरेंस कंपनी होगी नहीं तो प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो वहाँ पे जितना भी पैसा खर्च होगा तो सरकार उसको उसका वहन करेगी। सर, आयुष्मान भारत का क्या लॉन्च जो है वो फेज़ वाइज होगा? पहला फेज़ 15 अगस्त को होगा और अंतिम फेज़ जो है 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इस बारे में भी देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनका अभियान है, उनका उन्होंने शुरू की है, तो मुझको जो सूचना है कि 15 अगस्त को इस योजना के बारे में चर्चा करेंगे वो, और उसके बाद जो स्टेट्स तैयार हैं वहाँ से हम लोग काम करना शुरू करेंगे।